जय हिंद, आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैरेट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप यह देख रहे हैं, पेज मैं खोला हूँ recttbsf.gov.in। तो यह वाला पेज खुला है और इसके पहले मैं अभी यह क्यों मैं पेज खोला हूँ, यह आपका इतना अच्छा अच्छा तस्वीर आ रहा है क्यों, क्योंकि आपको मैं एक नोटिफिकेशन के लिए मैं एक वीडियो बना दिया था। यहाँ पे यह देखिए, बीएसएफ शॉर्ट नोटिफिकेशन 2022 एचसीएम एसएआई धमाकेदार भर्ती सुनहरा मौका। यह यहाँ पे देखिए, अभी 17 लोग ही सिर्फ देखिए, इतने कम लोग, इतनी अच्छी भर्ती आई। ये वीडियो को आप जल्दी जल्दी शेयर करिए, टेलीग्राम से आके यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और यह मैं कितने दिन पहले 29 तारीख को यह वीडियो बना दिया, 29 जुलाई को, और आज आपका 9 अगस्त है। 9 अगस्त है आपका, क्या हुआ है कि आपका यह कल से यानी कि 8 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है बीएसएफ का, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का। तो इस वीडियो में बात होगा कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि दिखा दे रहा हूँ आपको क्या करना है, recttbsf.gov.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टॉप पे, आप जाइए वहाँ से लॉग इन करिए और यहाँ पे कैंडिडेट लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जैसे पहले से भरा हुआ है, तो आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि यह जो मेल आईडी है, पासवर्ड है। अगर आप नहीं, अगर आप पहले से आईडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ से आइए, लॉगिन कर लीजिए। नहीं रजिस्टर किए हैं तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करिए। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है कि कैंडिडेट का नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है जो कि एक्टिव हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे नोटिफिकेशन आपका ओटीपी जाएगा। आपको क्या करना है, किसी एक का ओटीपी लिखना है, दोनों पे का सेम ओटीपी रहता है। फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल पे लिखना है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन में आना है, फिर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और क्राइटेरिया को आपको मार्क करना है। जैसे इतना आप मार्क करेंगे, अब आप पूछेंगे कि इसमें आपका, चलिए मैं इसको ज़्यादा कर नहीं हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना कितना इसमें फाइल चाहिए, कौन सी फाइल कितने एमबी की चाहिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं फुल नोटिफिकेशन सेंड कर दी हूँ, आप फुल नोटिफिकेशन, ये 16.1 MB का है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आपका कितना केबी से कितने केबी के बीच में रहना चाहिए, फोटोग्राफ आपके 30 से 100 KB, सिग्नेचर 20 से 50 KB, ध्यान दीजिए, फोटोग्राफ 30 से 100, सिग्नेचर 20 से 50, डॉक्यूमेंट आपके 30 से 100 KB के बीच में होने चाहिए, और फॉर्मेट आपके क्या होना चाहिए, JPG होना चाहिए, JPEG हो या चाहे PNG हो चाहे PDF हो, इन सब में आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ही आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप किस स्टेप पे आ जाएंगे, सेकेंड फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको क्या करना है कि यह पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो आपका यहाँ पे देखिए पूरा हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया, तो आप जाएंगे कैंडिडेट्स लॉगिन पे। कैंडिडेट्स लॉगिन पर जाएंगे तो आपके मेल पर आपका पासवर्ड सेंड किया जाएगा, तो उस पासवर्ड को लिख के आप पासवर्ड को चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए, मैं ईमेल आईडी लिख लिया, ईमेल आईडी को लिखने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया, फिर यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, आप देखिए एक नया पेज ओपन होकर के आ गया, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं, हाँ ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ, कट गया। आप देखिए यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीटेड 100%। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री आपका ये दिखा रहा है कि 9/8/2022 को यहाँ पे आपका कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्शन प्ले पे, मैं अभी इसको लॉगिन किया था, तो आप अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट ऐसा आपको ओपन होके आएगा शुरू में। तो अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे वैसे आपका सेलेक्ट ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन मिलेगा आपको एएसआई का भरना है कि कौन सा भरना है। जब आप एएसआई का भरोगे तो यहाँ पे देखो 10+2 एग्जामिनेशन रहना चाहिए और आपका शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए, 10 मिनट हिंदी का रहना चाहिए, इतना 65, या आप देख लीजिए जो भी लिखा हुआ है, आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। चलिए और मिनिस्ट्रियल के लिए आप देख लीजिए 10+2 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का, 35 इंग्लिश का, 5 की डिप्रेशन। इन सब के बारे में मैं आपसे बाद में बता दूंगा कि ये सब क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको SS करना होगा, यस अगर आपको आना ही चाहिए, आप पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप अश्योर कर लें कि दैट यू आर एलिजिबल। और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिल जाएगी, जनरल और ये कैंडिडेट इनका और यह ST के लिए। तो इसमें अगर आप इन सब कैटेगरी से नहीं बिलोंग कर रहे हो तो जनरल में आ जाओगे, और अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो इसको चूज कर लीजिए और
जो एसटी कास्ट के हैं, एसटी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं जनरल को सेलेक्ट कर लूँ, जनरल को सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल के हिसाब से जो भी हाइट आपका मेंशन रहेगा वो आपका हाइट आ जाएगा, चेस्ट आ जाएगा, वेट आ जाएगा। उसको आपको जब पहला स्टेप करेंगे लॉगिन करने के बाद आपको इन सबको फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल करके आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड किए रहेंगे, जो कि फोटो का साइज बताया था, सिग्नेचर का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। तो इन सब का जो भी हो जाएगा, जो होने के बाद आपका क्या होगा कि ओपन होकर के कुछ ऐसा आ जाएगा। जब ऐसा आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिखना है आपको किस कौन सा एड्रेस कहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे टॉप पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, यहाँ पे पेंडिंग अभी लिखा हुआ। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है अभी अनपेड के पहले ही आप एडिट उडिट कर सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप एडिट पे क्लिक करके अपना कुछ एडिट कर सकते हैं जो भी आपको एडिट करना है, नहीं तो सेव नेक्स्ट पे कर देंगे। जिस पोर्शन में आपको दिक्कत लग रहा है कि इस पोर्शन को मुझे एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले पोर्शन को, डॉक्यूमेंट्स वाले पोर्शन पे आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ एडिट करने के लिए, आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ डिलीट 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 पे करके जो भी आपका है डिलीट करके यहाँ से आप अपलोड अपना फिर से डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ आपको मैं पहले से बता दिया हूँ, डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर का आपका साइज़ कितना रहना चाहिए, ये देखिए ऊपर बताया था ना यहाँ पे। आप ये डॉक्यूमेंट्स का एक मिनट साइज़ देख लीजिए, जूम कर दूँ आपके लिए, लीजिए जूम कर दिया। और फॉर्मेट का आप ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और साइज़ का फोटो वोटो अपना बना लीजिए। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा इस वीडियो के आने के बाद शायद। और यहाँ से चलिए आई डू हियर बाय पे करके मैं सेव नेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ सही है। तो आप उसी पेज पे फिर आ जाओगे, फिर यहाँ से जाने के बाद आप सेव नेक्स्ट पे कर दोगे। सेव नेक्स्ट पे करने के बाद आपको फिर से नीचे ला देगा। अब आप अपना एड्रेस को लिख सकते हैं जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपको PDF मैं सेंड किया हूँ 16 MB का, ये आपके मोबाइल में ऐसे जितना मैं जल्दी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जैसे स्क्रॉल डाउन आपका 5, 10, 27, 18, 20 पेज नंबर पे कर दिया, आपका इतना तेज ओपन हो रहा है, ये आपके मोबाइल में इतना जल्दी हो सकता है कि ओपन ना हो, क्योंकि ये जो है आपका बहुत लंबी साइज है इसलिए, और ये जो हाई क्वालिटी में आपका किया गया है इसको स्कैन, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप थोड़ा सा रुक के उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं चलिए एड्रेस लिख देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ से जो है कि सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा, किस सेंटर पे आपको देना है रिटर्न एग्जामिनेशन। इतने ही सिर्फ आपके सेंटर है, बहुत ज़्यादा आपके सेंटर नहीं है। अब इन सेंटर का एड्रेस कहाँ पे, जैसे TCS एंड BSF हजारीबाग में है, सिलचर में है, साउथ बंगाल में, जलंधर, बंगाल, जम्मू, गांधीनगर, बेंगलोर, जोधपुर, गुवाहाटी, त्रिपुरा, शिलोंग, उड़ीसा, श्रीनगर, इंदौर, ठेकना, यह दिल्ली सेंटर है। और आपको यह जो नोटिफिकेशन वाला है, यह जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन वाले में आपको आ जाइए, आपका इसमें मेंशन किया गया है किसने पेज नंबर पे है, पेज नंबर आपका कितना है, 9 पे 9 है ना। हाँ देखिए पेज नंबर 9 पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा सेंटर है, किस चीज़ के लिए आपका रिक्रूटमेंट के लिए, ASI हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और साई के लिए, स्टेनो और मिनिस्ट्रियल के लिए, ये आप इसमें से अपना नज़दीकी वाला सेंटर को चूज कर सकते हैं। अब हजारीबाग जो था, जिनको अच्छे से नहीं पता है कहाँ पे एड्रेस है, तो आप इसमें से आइए शिलोंग, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल, जो भी हैं जहाँ से आप हैं, झारखंड नज़दीक है जो आपके, आप इस जगह से जाके देख सकते हैं और फॉर्म को फिल करके जा सकते हैं। तो इसमें से ज़्यादा लोग कहाँ पे जाएंगे, दिल्ली ही जाना पसंद करेंगे, तो चलिए हम भी दिल्ली के लिए, दिल्ली आपका कौन सा है, 95 BN BSF भुंसी गुड़गांव के लिए आपका दिल्ली सेंटर में मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद आइए एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ और पे नाउ पे कर दे रहा हूँ। पे नाउ में आपका कितना यहाँ पे चार्ज दिया गया है, 147 रुपये, या चार्ज जोड़ जो और आगे कटेगा तो लगभग आपका 200 रुपये के तकरीबन जाने वाला है। देखते हैं अभी कितना जाता है, अभी तो 147 ही दिखा रहा है। और यहाँ पे नेट बैंकिंग में देखा जाए, नेट बैंकिंग का कितना दे रहा है, तब भी 147। चलिए मैं नेट बैंकिंग करने की कोशिश को करता हूँ। यहाँ पे कोई कुछ लिखा तो नहीं ना कि एडिशनल चार्ज जोड़ लेगा भैया, एडिशनल चार्ज से तो बड़ा डर लगता है। CC एवेन्यू हो गया, यहाँ से जाइए, या हमारे ब्राउजर में ही लगता है दिक्कत है कि यह ऐसा हमेशा पूछता है। तो आप आइए यहाँ पे आने के बाद अपना ID और लिख देने के बाद फिर उसके बाद किस पे क्लिक करना है, लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका यह पेज लॉगिन हो
जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको 147 रुपये दिखा रहा है, यहाँ से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, इस नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया और मेरे पे ओटीपी आ भी गया है। मैं इसमें आपका ओटीपी को लिखता हूँ, ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका देखिए योर पेमेंट सक्सेसफुल 147 रुपये का मैसेज आ गया और ये पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। नहीं रिडायरेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे आएगा ऑप्शन क्लिक करने के लिए और यहाँ से आप बैक टू होम पे कर सकते हैं। बैक टू होम पे करेंगे या हमेशा आपको खुल के आ जाएगा ओपन होके, इसको कट कर दीजिए। देखिए इस पेज पर आप आ जाएंगे, जैसे कि आया आपका पेज ओपन हुआ है तो आपका पेज जब ऐसे ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक्शन दिखेगा। ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे एक्शन पे व्यू पोस्ट डिटेल प्रिंट पोस्ट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यह ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसको ओपन कर किए तो वहाँ से देखिए आपका आ गया अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाइड किए हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। एप्लीकेशन आवेदन, यह एप्लीकेशन आवेदन ये दिया गया, एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया है, पेमेंट पेड हो गया है, हेमंत सिंह नाम है, यह मेल आईडी दिया गया है, मोबाइल नंबर जिसको कि मैं ब्लर कर दिया हूँ, यह आधार कार्ड नंबर आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अब और मैं नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे आपका और भी पूरा सारा डिटेल शो कर देगा जो भी पूरा आपने फॉर्म को मैं फिल किया था। सबसे नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा देगा और सेंटर प्रेफरेंस दिखा देगा। इसको मैं जैसे प्रिंट करूँगा तो प्रिंट होके आपका यहाँ पे पेज आ जाएगा, यह सब आपके डिटेल्स को शो कर देगा। आप इसको भी पेमेंट, इसको भी सेव करके पेज को रख लीजिएगा और यहाँ से आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स को करेंगे तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा जिसको कि आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसके लिए देखिए बाई के लिए भैया दे रहा है, ये सब मत दो यार, पैसा नहीं है। तो ये आपका देखिए फाइल को सिलेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ले जाएगा। तो मैं इसको एक मिनट चेंज करके हेमंत डेस्कटॉप पे कर दे रहा हूँ और इसको कर दिया। आप देखा जाए डेस्कटॉप पर आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, जो जो आप डॉक्यूमेंट्स को दिए हैं। इसको करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना क्या करिए कि इस पेज को डाउनलोड करके प्रिंट करके आप रख लीजिए। तो इतना ही ऐसे ही फॉर्म आपको भरना है। आई होप कि आपको समझ में आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।